हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो है लकी बैम्बू का प्लांट। काफ़ी सुंदर प्लांट है ये, और इसको लकी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो हमारे पंच तत्व होते हैं इसको इंडिकेट करता है। तो आज हम वन बाय वन बात करेंगे कि इस प्लांट की केयर कैसे करें, और ये भी बताऊँगी कि मैंने इस प्लांट को मिट्टी के अंदर क्यों लगाया है। तो देखते रहिए ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली बात है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के अंदर जो मैंने इसको दिया था वो था वर्मी कंपोस्ट, और जब मैंने इसको पोट में लगाया था मैंने इसको तभी वो फर्टिलाइज़र दिया था। इसके बाद आज 3 महीने हो गए हैं मैंने इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया, और ये ग्रोथ देख सकते हैं आप कितनी अच्छी हो गई है। इसमें जो सोइल यूज़ किया है मैंने वो है गार्डन सोइल, प्योर गार्डन सोइल है, ठीक है। तो इसके अंदर और कोई सोइल्स मैंने नहीं मिलाई है, ना ही मैंने कोकोपीट मिलाई है इसके अंदर। कुछ लोग प्रेफर करेंगे कि आप इसके अंदर कोकोपीट मिलाइए, लेकिन कोकोपीट में क्या होता है इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। पानी सेल निकाल कर मैंने इसको मिट्टी में इसीलिए लगाया था क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने लग जाता है, और जब एक बार इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है तो आपका जो सारा पौधा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आप इसको मिट्टी में लगाएं ताकि इन्फेक्शन कम से कम हो। और सेकंड बात ये है कि आप इसके अंदर बीच में दूरी रखें, जैसे कि मैंने रख रखी है, एक पौधे से दूसरे पौधे में हल्की हल्की दूरी रखें। इससे क्या होता है इसके अंदर जो हवा आती है वो हवा एकदम अच्छी तरह से क्रॉस हो जाती है। जब हम इसको लेके आते हैं तो आपको इसको बंडल के अंदर मिलेंगे ये एकदम एक के बाद एक पौधा साथ साथ में, ठीक है। तो अगर आपने इसको पानी में लगाया हुआ है तो भी एक के साथ एक पौधा ना लगाएं मेरा ख्याल से, क्योंकि जब एक पौधे के अंदर इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है फिर वो दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में सारे पौधे क्या हो जाते हैं ख़राब होने लग जाते हैं। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा अलग लगाया है ताकि काफ़ी अच्छे से ये ग्रोथ भी कर सके और इसके अंदर हवा भी काफ़ी अच्छे से क्रॉस हो सके। पौधे के अंदर हवा क्रॉस होना सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है, तो ये बात आप ध्यान रखें। ग्रोथ देख सकते हैं फिर से आप, काफ़ी अच्छी हो रही है। इसके अलावा अब गर्मियों का सीज़न है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा गीला रखेंगे। देखिए मैं जब इसको हाथ लगा रही हूँ तो काफ़ी अच्छा अच्छी तरह से अंदर जा रहा है, तो ये काफ़ी गीला है। और इसको अंदर शेडी एरिया के अंदर रखें, शेडी एरिया में इसलिए रखें क्योंकि अगर आप बाहर रखेंगे तो गर्मी काफ़ी है। और ये देखिए मेरी जो प्लांट है उसकी पत्तियाँ भी क्या है थोड़ी थोड़ी पीली होनी शुरू हो गई है। ये ओवर वाटरिंग की वजह से भी हो सकती है, लेकिन मैंने इसको बाहर रखा हुआ था तो इसलिए ये थोड़ा ऐसे होने लग गया है। इसके अलावा इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करें कि ये जब ग्रोथ करता है तो यहाँ से जैसे ये इसकी नोड होती है तो नोड से ये क्या करता है अपनी नई लीव्स को बनाता है और अपनी नए स्टेम को भी डेवलप करता है। तो क्या करें कि यहाँ से जब ये काफ़ी मैच्योर हो जाए, मैच्योर कितना, ये जो नीचे वाला स्टेम है इतना ज़्यादा मैच्योर होगा तब आप इसको क्या कर देंगे कट कर देंगे। पानी के अंदर ये ग्रोथ बहुत कम दिखाता है, अगर आपके पास 1-2 साल का प्लांट होगा तब जाके इतनी ग्रोथ दिखाई देगी वो उसके अंदर, मतलब इतना बड़ा होता है तब जाके। लेकिन मेरा ये ग्रोथ देखिए, ये 3 महीने की इतनी ग्रोथ हो चुकी है इसके अंदर। तो सोइल के अंदर लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिलती है, काफ़ी अच्छी लीव्स मिलती है, और आपको फंगल इन्फेक्शन की भी इसके अंदर सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फंगीसाइड देते रहना चाहिए ताकि आपका प्लांट है वो हेल्दी रहे। इसके अलावा वो ग्रोथ थी तो यहाँ से कट करके और इसको पानी के अंदर लगा देते हैं। पानी के अंदर लगाने के बाद क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं 5-6 दिन, उसके बाद रूट सिस्टम है वो शुरू हो जाता है और रूट नई बनने लग जाती है इसके अंदर, और ऐसे करके हम नया प्लांट बना सकते हैं। कोई फ्लावरिंग नहीं होती इसके अंदर इसलिए बीज नहीं बनते, हम इसको कटिंग से और बडिंग से ही नया प्लांट है वो बनाते हैं। इसके अलावा इसकी और क्या केयर करें, वैसे तो काफ़ी अच्छा प्लांट है, ज़्यादा केयर नहीं मांगता ये, पानी के अंदर ही सिर्फ मांगता है। और इसको 10-15 दिन में अगर आप चाहें, ग्रोथ नहीं कर रहा है आपका प्लांट तो उसको 10-15 दिन में आप एक बार जरूर नाइट्रोजन रिच खाद दें। बाकी काफ़ी अच्छा प्लांट है, अगर आप नर्सरी जाते हैं तो इस प्लांट को ज़रूर लेके आइए। और ऐसे यूज़फुल वीडियो के लिए देखते रहिए ड्रीम गार्डनिंग चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।